I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I guess. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? So, पिछले 2-3 हफ्तों के लिए मैं गायब हो गई थी. I was not posting any videos on my channel because of my skin condition. आप लोग देख ही सकते हो कि my skin, especially the right side of my face, there is a family of acne. Usually, when my skin goes through some sort of like skin struggle or problem, I don't stop filming videos. I feel like the show must go on. But this time when it happened, it just reminded me of 2019 November वाला phase, जब मुझे ऐसे ही कुछ skin का छोटा सा problem hua tha and I did not take care of my skin that time. I neglected my skin and it just started spreading all over my face. Aur fir mujhe 6 mahine lage the sirf acne ko control karne mein aur 1 saal acne marks ko fade away karne mein. So this time I thought of taking 1 week ka break. It just turned into 2 weeks and now it's more than 2 weeks. Anyway, I'm back now. So my True Brown Skin Makeup and Skincare Therapy is a series on our channel. In this series we talk about reality of makeup and skin, that how skin looks like in real life. This is a series that I started about 1 year back or तब से लेके अब तक मेरे को 4 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ और इन 4 वीडियोस में नए नए फैक्टर को इंक्लूड किया, जैसे कि कैसे डिस्टेंस से फर्क पड़ता है कि आपका मेकअप और स्किन कैसा लग रहा है, डिफरेंट कैमरा से फर्क पड़ता है, जैसे कि ये फुल एचडी कैमरा में फिल्म कर रही हूँ उसमें काफी अच्छे से दिखाई देता है, एक एक डिटेल दिखाई देती है आपकी स्किन और मेकअप की, सो डिफरेंट एंगल से फर्क पड़ता है. सो ये सारे फैक्टर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर चुकी हूँ एंड आई ट्रूली वॉन्टेड टू पुट अ फुल स्टॉप टू दिस वीडियो फॉर दिस एंटायर ईयर. नाउ आई वॉज लाइक अब और फिल्म नहीं करूंगी, बट देन अबाउट अ वीक अगो आई सॉ दिस न्यूज and read this article and it completely broke my heart. It was about UP girl, she commits suicide because of her pimple problem. Due to her pimple problems, the girl was repeatedly rejected by her alliance seekers and her marriage could not be finalized. So yes, this article is major reason that I'm doing this video all over again. और आज मैं अकेले अपने स्किन के बारे में बात नहीं करूंगी, आप लोग के स्किन के बारे में बात करने वाली हूँ, because I reached out to you guys on Instagram and told you, let me know about your skin struggle, journey and story and we can discuss and talk about it. So पहले मैं आपको अपनी स्किन की रियलिटी बता देती हूँ. माई स्किन्स रियलिटी चेंजेस अ लॉट एंड इसका मेजर रीजन यही है कि आई सफर थ्रू दिस कंडीशन कॉल्ड PCOD, विच इज नथिंग बट इम्बेलेंस ऑफ हॉर्मोन्स एंड इट अफेक्ट्स लॉट मेनी फैक्टर्स, योर मूड स्विंग्स, योर हेयर, बॉडी, योर एक्ने. आपका जो इम्बेलेंस होता है हॉर्मोन, उसकी वजह से आपको हॉर्मोनल एक्ने आते हैं, जो कि मुझे आप देख सकते हो ऑन द राइट साइड ऑफ माई फेस आई हैव. सो इफ आई विल गिव यू क्लोजअप शॉट ऑफ माई स्किन, दिस इज वॉट माई स्किन लुक्स लाइक. आई डो नॉट हैव परफेक्ट स्किन और इवन स्किन टोन. आई हैव अन ईवन स्किन टोन, आई हैव अन राइट डार्क सर्कल्स, आई हैव फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, आई हैव वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स अराउंड माई नोज. दे HD में आपको दिखा रही हूँ मैं अपना स्किन. ऑल राइट, द लेफ्ट साइड ऑफ माई फेस इज सेंसिटिव साइड, आई हैव टेक्सचर ऑन माई फेस, जो बम्स दिख रहे हैं दीज आर टेक्सचर ऑन माई फेस एंड ऑल्सो अभी राइट साइड ऑफ माई फेस भी बहुत सेंसिटिव हो गया है. अराउंड माई लिप्स आई हैव हाइपर पिगमेंटेशन, आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन का जो कलर है यहाँ पे डार्क है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ माई फेस. सेम गोज माई फोरहेड, माई फोरहेड इज डार्कर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ माई फेस. ऑल्सो आई डो नॉट हैव पिंक लिप्स, आई डो नॉट डिजायर टू हैव पिंक लिप्स, आई हैव पिगमेंटेड लिप्स. ऑल्सो PCOD की वजह से मुझे फेशियल हेयर भी आते हैं, सो आई गेट मेल पैटर्न फेशियल हेयर. यू नो, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट कर पाए और देखिए कि यही स्किन की रियलिटी और इन सारी चीजों से हम लोग काफी लोग सफर कर रहे हैं. सो यू आर नॉट अलोन. ऐसा नहीं कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम, आई बीन डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड प्रॉपर थिंग्स टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम, बट हर चीज को वक्त लगता है और हर चीज के लिए कंसिस्टेंसी भी चाहिए रहती है. ओवरऑल दिस इज what my skin is, guys. Let's begin the post-shaving routine. और मैंने कैमरा को जूम इन कर दिया है, आप लोग मेरी स्किन की रियलिटी एकदम अप क्लोज और पर्सनल देख सकते हो और इसी रियलिटी के साथ हम लोग स्किन केयर करेंगे और मेकअप रूटीन करेंगे. आप लोग देख सकते हो कि मैंने पूरे फेस को शेव कर दिया है. आई डिड दैट ऑफ कैमरा, मैंने काफी बार दिखाया है ये वाला प्रोसेस और रूटीन, सो आई स्किप दिस पार्ट. और शेविंग करने के बाद माई स्किन लुक्स मच ब्राइटर एंड क्लियर नाउ, क्योंकि वो पोकी पोकी से ब्लैक बाल चले गए. एनीवे, सो आई एम गोना यूज माई टोनर. जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव पोस्ट शेविंग रूटीन, सो आई एम जस्ट गोना डैब द टोनर ऑल ओवर माय फेस. अब आई एम गोना रीड आउट आपकी स्किन की रियलिटी जो आपने शेयर किया है इंस्टाग्राम पे. सो मुझे काफी सारे रिस्पॉन्स आए रिगार्डिंग दिस वन स्किन स्ट्रगल, जो काफी सारे लोग आप लोग फेस कर रहे हो, दैट इज फेसिंग हाइपरपिगमेंटेशन अराउंड द लिप्स एंड इन सम
केसेस फोरहेड एरिया एज वेल एंड आई कैन टोटली रिलेट विद यू गाइस. मैंने हमेशा ओपनली बात किया है अपने हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, दैट आई हैव हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड माई लिप्स. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है. जब आप कॉज को समझते हो ना, उसका सोल्यूशन आपको समझने में काफी ज्यादा आसान हो जाता है. सो हाइपर पिगमेंटेशन हैपेंस व्हेन योर स्किन प्रोड्यूसेस मोर पिगमेंट विच इज कॉल्ड मेलानिन. उसी की वजह से आपकी स्किन का कुछ एरिया डार्कर दिखता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ योर स्किन, और उसी को कहते हैं हम हाइपर पिगमेंटेशन. द रीजन कैन बी मेनी रीजन, इंजरी, एक्ने, एक्जिमा, मेलिस्मा, इन्फ्लेमेशन, सन डैमेज, सन बर्न, हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग टीनेज डेज टाइम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. ये सारे रीजन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है. ट्रस्ट मी, हाइपर पिगमेंटेशन इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस इट इज क्यूरेबल. यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट कॉज किसकी वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है. मेरा सबसे पहला सजेशन तो आप लोग को ये रहेगा, जो लोग हाइपर पिगमेंटेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट विजिट डर्मेटोलॉजिस्ट. एटलीस्ट 2 से 3 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन भी जरूरी है. और कुछ लोगों को अगर सेकेंड ओपिनियन से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ आप, तो थर्ड ओपिनियन भी जरूरी है. एंड गो विथ योर स्किन कंसर्न. सारी रियलिटी उगल दो वहां पे जाके. यू शुड नेवर एवर लाइ टू योर डॉक्टर एंड ऑल्सो योर लॉयर एवर गाइज. तो जाके सब उगल दो. मैं अपने हाइपर पिगमेंटेशन की जर्नी भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे मदद मिल जाए. सो व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई वेंट टू माई डर्मेट फॉर माई स्किन कंसर्न, दैट इज आई वॉज गेटिंग टीनेज एक्ने. और हाँ, एक्ने के साथ साथ मैं एक और कंसर्न के लिए गई थी उनके पास, दैट इज माई थिक अपर लिप हेयर. मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे एकदम थिक अपर लिप हेयर आ रहे थे, तो उसकी वजह से भी मेरा जो पिगमेंटेशन है ना, हाइपर पिगमेंटेशन, यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा डार्क लगता था, ऑलमोस्ट ब्लैकिश लगता था वो. तो उसके कंसर्न के रिगार्डिंग में गई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हो. सो मैंने पूरा लेजर ट्रीटमेंट कंप्लीट किया. आई थिंक कुछ 4 से 5 सेशन थे. सो दैट लेजर ट्रीटमेंट रियली हेल्प टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द अपर लिप हेयर दैट आई वॉज गेटिंग, जो कि बहुत ही थिक आते थे. मुझे वो फाइन आना शुरू हो गया, और जब से वो फाइन आना शुरू हो गया, मैंने नोटिस किया कि मेरे अपर लिप एरिया पे जो पिगमेंटेशन एकदम डार्क लगता था ना, वो काफी हद तक कम हो गया. सो यस, लेजर डिड हेल्प माय स्किन, ऑल्दो दैट लेजर वाज नॉट फॉर द हाइपर पिगमेंटेशन, बट इनडायरेक्टली इट हेल्प विद द हाइपर पिगमेंटेशन. जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स जिसने हेल्प किया मेरे हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में, हैज टू बी विटामिन सी यूजिंग केमिकल पील वंस अ वीक एंड रेटिनॉल आल्सो. विटामिन सी इज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट यू गाइस. बस यही है कि आपको राइट काइंड ऑफ विटामिन सी ढूंढना पड़ेगा फॉर योर स्किन टाइप, क्योंकि सारे विटामिन सी अच्छे नहीं होते. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, माय स्किन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू विटामिन सी. केमिकल पील, वाओ, एक्सीलेंट डिस्कवरी. केमिकल पील वंस अ वीक हैज बीन डूइंग वंडर्स फॉर माई स्किन. वो आपकी स्किन के डीप लेयर को भी एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन के सर्फेस को भी एक्सफोलिएट करता है. ऑल्सो रेटिनॉल इज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट. ये ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, फाइन लाइन, रिंकल, पिगमेंटेशन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद करता है. अब ध्यान रखना है, रेटिनॉल और वाइटामिन सी एक साथ यूज नहीं करना है. केमिकल पील करने के बाद रेटिनॉल या वाइटामिन सी यूज नहीं करना है, बिकॉज ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, दे आर काइंड ऑफ एक्सफोलिएंट्स. सो आपको एक साथ इतने सारे एक्सफोलिएंट्स अपने स्किन में यूज नहीं करना. So yes, skincare is almost done. Last thing that I'm going to do is apply my sunscreen. Again, sunscreen is very, very important. अगर आप चाहते हो कि आपका hyperpigmentation और deeper darker ना हो जाए, protection is must, must, must. So हमेशा sunscreen apply करना after you're done with your skincare, और reapply भी करना throughout the day. Reapplication पे कोई ध्यान ही नहीं देता, sunscreen की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी. So let me just blend the sunscreen properly. I'm just going to apply some lip gloss all over my lips as a lip balm. And today's makeup look is going to be inspired by this photograph that I saw on Instagram. She is Simone Ashley. Unke makeup artist ne unke upar ye makeup kiya hai. So I'm going to start off by applying concealer under my eyes. So main ise triangle shape mein apply kar rahi hu. So concealer ko at least 30 second deti hu, tab tak hum log next few responses padte from my followers regarding their skin concerns and skin struggle. So this one is by Pooja. Clear glass skin and sudden wave of acne, depressed. Or Pooja, I can totally relate with you. And I got very similar kind of responses. Suparna Sarkar also faces the same struggle. My struggle is basically good skin days for short term and bad skin days for long term. Koi glow nahi. Priya says, pagal hai meri skin. Usse mood swings hote hain. By the way, love from Bhopal. Chini _ but not sugar also says, the struggle I face is how my skin goes from good to bad to good to bad again, inconsistent. Guys, I can totally, completely relate with you. Kyunki abhi, 3 hafte pehle, meri skin all ऑलमोस्ट पूरी क्लियर हो गई थी. ठीक है, 2-3 एक्ने मार्क बचे होंगे हियर हियर, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. एंड देन सडन वेव ऑफ एक्ने की फैमिली यहाँ पे, एंड माई स्किन इज बैक टू
गेटिंग एक्ने. सो दिस इज अ स्ट्रगल दैट आई फेस अ लॉट. मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा ना एक्ने के साथ पुराना रिश्ता है, आते जाते रहते हैं सही में. एंड इसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है मेरे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे पता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत इसे ट्रिगर होता है तो मैं अपने पीसीओडी को ब्लेम करती ही हूँ कि एक रीजन तो ये होगा ही. देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स. हो सकता है कि हमारा खान पान चेंज हुआ हो, प्रदूषण पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, कोई स्किन केयर हमने नया ट्राई किया हो. ओके, सो दिस इज व्हाट कंसीलर इज लुकिंग लाइक अंडर माय आईज. आई डू फील लाइक आई नीड टू अप्लाई सम मोर कंसीलर, क्योंकि यहाँ पे अंडर आई बैग्स दिख रहे हैं. तो थोड़ा सा मैं और कंसीलर लेके यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर देती हूँ और उसे वहाँ पे ऐसे छोड़ देती हूँ. इट्स टाइम टू कलर करेक्ट अराउंड माई लिप्स यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर. आई एम गोना डू वन डॉट यहाँ यहाँ ऐसे, देन यूजिंग माई फिंगर आई एम गोना स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस. Okay, so this is by Nikni Kaniko, diagnosed with PCOD 3 years back. Since then, I'm having acne prone skin. I can totally relate with you because I've been struggling with this for the past 5 and more years. Mujhe bhi kabhi kabhi regret hota hai ki kaash maine apne lifestyle pe dhyan diya hota jab main bachchi thi teenage time pe, kaash maine apne food habits ko samjha hota. But anyway, I also believe that better late than never. Abhi bhi kuch bigda nahi hai. If you have PCOD, if you are struggling with acne and acne prone skin hai aapki, ab apni स्किन का ख्याल रखो, पीसीओडी को कंट्रोल करो. दैट इज गोना हेल्प टू कंट्रोल योर एक्ने एज वेल. आई एम तो स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल माय पीसीओडी, क्लियरली बता रही हूँ आपको. आई एम नॉट परफेक्ट, माय लाइफ इज नॉट परफेक्ट, माय एंटायर बॉडी इज नॉट परफेक्ट. इट्स टाइम टू यूज फाउंडेशन. आई विल बी यूजिंग अ न्यू फाउंडेशन टुडे. दिस इज बाय कलर बार्ड. दिस इज इन द शेड FW 6.4 एंड इट्स अ थिक फाउंडेशन गाइज. थोड़ा सा उसको वार्म अप करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. ओके, आई थिंक आई माइट हैव टू यूज डिफरेंट फाउंडेशन गाइज. दिस फाउंडेशन डजंट लुक लाइक माई शेड, सो आई एम गोना यूज अ डिफरेंट फाउंडेशन. जस्ट अप्लाई दिस वन. दिस इज अ बिट डार्कर फॉर माई स्किन टोन, बट अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी तो हो सकता है कि रिजल्ट हमें सही मिले. आई वॉज नॉट गोइंग फॉर अ हैवी बेस दो टूडे. आई वॉन्टेड टू शो यू लाइट बेस मेकअप क्लोजअप शॉट में. चलो कोई बात नहीं. ओके गाइज, आई ब्लेंडेड द फाउंडेशन ऑफ कैमरा, क्योंकि फाउंडेशन ब्लेंड करते टाइम में बात नहीं कर पाती. एंड दिस इज वॉट माई फाउंडेशन इज लुकिंग लाइक. अभी मैंने सेट नहीं किया है, बट आप लोग देख सकते हो कि काफी हद तक फाउंडेशन ने मेरे एक्ने मार्क्स को कवर कर दिया. अभी भी बम्पी बम्पी दिख रहा है बिकॉज दोज आर लाइक इन्फ्लेम्ड एक्ने. फाउंडेशन इज नॉट सपोज टू लाइक कंप्लीटली ब्लर्ड आउट योर एक्ने, एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार. वो सिर्फ कवर कर सकते हैं. दिस इज लाइक अ लेयर ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन. इट्स नॉट अ सेकंड स्किन. आई एम यूजिंग माय ब्यूटी ब्लेंडर टू प्रेस इट इनटू माय स्किन मोर एंड पिक अप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट वन इज बाय यंदेवना अंडरस्कोर गीतिका, फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी मैं रिस्पॉन्स पढ़ रही हूँ सब इतने रिलेटेबल है. आई मीन एवरीथिंग दैट आई एम रीडिंग, आई हैव गॉन थ्रू इट, आई हैव फेस्ड इट, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट गाइस. फेशियल हेयर के तो स्ट्रगल आपने देख ही लिया, रियलिटी आपको मैंने स्किन की दिखाई दी. आई डू गेट लॉट ऑफ फेशियल हेयर. फेशियल हेयर को भी लेके मैं करीबन 5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ. इतने थिक नहीं हुआ करते थे मुझे फेशियल हेयर के बाल, बट जब पीसीओडी बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया तो मुझे और ज्यादा थिक आने लगे. सिर्फ चिन तक आते थे, फिर एक टाइम के बाद वो नेक तक भी आना शुरू हो गए मुझे. और बॉडी हेयर की क्या बात करो, एक्सेप्ट the exposed area of my feet and my hands, my entire body is hairy. Yes, including my face, my ears as well, they are very very hairy. I'm a hairy girl guys. I'm definitely thinking about going for laser treatment for my body hair as well, but that is going to be expensive. tab tak jo dusre solution hai, thode inexpensive solution hai, jaise ki waxing, shaving, ye sari cheeze main prefer karti hu. And you're not alone. Okay, just gonna set the other eye, also my T-zone now. Around my nose and around my mouth. देखा लग रहा है ना, मैंने बेस प्रोडक्ट अप्लाई किया है, बट डजंट फील हैवी दो ऑन माई स्किन दिस बेस. ऑल दो मैंने काफी अच्छे से आईलिड को और अंडर आईज को सेट किया है, मेकिंग श्योर की देर इज नो क्रीसिंग लाइन, बट सेट करने के बाद भी थोड़ी बहुत ऐसे क्रीसिंग आ ही जाती है. इफ आई विल जस्ट पुल डाउन माई अंडर आईज एंड लुक अप, कैन यू गाइस सी क्रीसिंग दिख रही है. So yeah, because I have fine lines under my eyes, usi ki wajah se. Okay, moving on to eyebrows. First, I'm going to comb through my eyebrows and then I will start filling up the sparse area. You know, jab main everyday makeup look bhi karti hu, usme main eyebrows ko fill karna pasand karti hu. And mere dono eyebrows na kabhi bhi aise even nahi dikhte. Your eyebrows are anyway are supposed to look like sisters, not twins. I'm going to do this eyebrow off camera. I'll be right back. I am back, going to set my eyebrows in place using this eyebrow mascara. See, kitne acche lag rahe na. I just like this kind of look for my eyebrows. Anyway, moving on to the next story. This is from Herbs 4759. Hi Shalini, I'm struggling from last 2 years with pimple acne. Also inspired of using number of
products, my face is still dull and become worse day by day. I got similar response from Neha as well. I have lot of acne, scars and pimples. Bhanu ka struggle bhi yehi hai, dark spots, acne marks. And then there is Ruchika. I'm suffering from acne from last 12 years. Now before period, I got lot of acne, facial hair. Now it's part of life. So jaise ki is video ke starting mein maine aapko kaha tha ki jab tak aapko cause samajh mein nahi aayega, tab tak aap solution pata nahi kar paoge. So acne ke hone ke bhi kitne different कारण हो सकते हैं. यू नो जैसे मुझे एक्ने होते हैं बिकॉज ऑफ माई कंडीशन कॉल्ड PCOD. समवन माइट बी गेटिंग एक्ने फॉर सम अदर रीजन, बट जब एक्ने आपको होता है ना, ये क्यों होता है? बेसिकली जो सिबिस्कस ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड होता है, वो क्लॉग हो जाता है बिकॉज ऑफ डर्ट, गंक, बैक्टीरिया, एंड देन इट टर्न्स इंटू एक्ने. कभी वो रेड दिखता है, कभी वो बंपी दिखता है, कभी वो सिस्टिक दिखता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंज योर स्किन, फॉलो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना काफी ज्यादा जरूरी है. मैं तो फिजिकल एक्सफोलिएटर को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं केमिकल एक्सफोलिएटर को ही सपोर्ट करती हूँ. तो आप चाहो तो केमिकल पील यूज कर सकते हो, अगर आप केमिकल पील आपको लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन इन्वेस्ट ऑन सैल्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड. दीज आर सम लाइक वेरी माइल्ड एक्टिव दैट यू कैन यूज ऑन योर फेस दैट कैन रियली हेल्प टू शेड अवे डेड स्किन सेल्स फ्रॉम योर फेस, और वो आपके एक्ने को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है. अब एक्ने मार्क्स क्यों होते हैं? जब आप एक्ने को फोड़ने में तुले होते हो ना, जब फोड़ तो देते हो तब तो अच्छा लगता है, बट देन इट लीव्स एक्ने मार्क्स एंड sometimes it can lead to like scarring. तो मैं तो यही कहूंगी कि जितना हो सके अपने एक्ने को फोड़ो मत. ओके, ये जो नेक्स्ट स्किन केयर स्ट्रगल है, ये है पेस्टल रुकी EX1 का. हेयर ऑन माई फेस ड्यू टू PCOS विल लेजर हेल्प रिड्यूस एट लीस्ट. सो जहां तक मेरा नॉलेज है PCOD, हेयर ग्रोथ और लेजर का, वो ये है कि जी हाँ, लेजर कैन हेल्प टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द हेयर. ठीक है, वो कम्प्लीटली गायब नहीं करता है. जब आप पूरा सेशन कम्प्लीट कर लेते हो लेजर का, कुछ आई थिंक 5 to 7 सेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ऐसा ग्रोथ है आपके बालों का और कितने फ्रिक्वेंटली आपको आपके फेस पे बाल आ जाते हैं, उतने सेशंस होते हैं. एंड फिर सेशंस जब कम्प्लीट होता है, वो थिकनेस बेसिकली कम कर देता है बालों की. आपके फेस पे बाल आएंगे बट इतने फाइन आएंगे, ऑलमोस्ट लाइक पीच फर्स, यू नो, कि एकदम दिखेंगे नहीं. यू कैन जस्ट लिव विद इट और यू कैन जस्ट रिमूव देम विद द हेल्प ऑफ फेस रेजर. ऑल्सो जरूरी नहीं कि एक बार आपने सेशन ले लिया, लाइफ लॉन्ग के लिए आप सॉर्टेड हो. जब तक आप PCOS और PCOD को कंट्रोल नहीं करोगे ना, that hair growth thickness is gonna come back again. Okay guys, quickly gonna do the eye makeup now. Picking the shade Nectar in my fluffy blending brush, I will start placing the color on my crease line like that, and then deepening that color in the crease line. Going to use this gel eyeliner by Sugar Cosmetics in the shade 04 Purple Haze. Isme ek spoolie bhi aati hai, so usi ki madad se I'm gonna draw wing very close to my eyelashes. Phir ek chote se pencil brush mein I'm gonna pick this color called Pinet Nair and start blending the edges. Going to tight line my lower lash line with this as well. And outer corner pe I'm gonna deposit it lower lash line ke niche. And again I'm gonna start blending the edges. For ek dusre flat smudger brush ki madad se I'm gonna pick Nectar and place it on my lower lash line. Just one final time I'm going with this purple color again very close to my lash line. Okay everyone, I'm just deepening up the crease after finishing the other eye. Going to curl my eyelashes now and going to tightline my upper waterline with a black kajal. क्योंकि जब मैं मस्कारा लगाऊंगी ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन का कोई भी कलर दिखे. एंड जस्ट गोना कोट माय आईलैशेस विद दिस मस्कारा. I have few more skincare struggle to talk about. This is by Sondarya 1212. Dark circles, dude, genetics, so I accepted it. काफी लोगों का ये struggle है dark circles. अगर आपकी family में किसी को है तो हो सकता है कि आपको भी dark circles हो. It can be genetics. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे dark circles क्यों है? Because of my abduct sleep cycle. ऐसा नहीं कि मैं पूरे 8 घंटे की नींद लेती नहीं हूँ, but मेरा कोई schedule नहीं है. You know, एक proper उठने का सोने का कोई schedule नहीं है, जिसकी वजह से my skin just is very confused. So उसकी वजह से मुझे under eye dark circles हैं. So स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड ऑल्सो कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड. ये मुझे मेरे डर्मैट ने भी बार बार कहा था कि अगर आप अच्छे से स्किन को हाइड्रेट रखोगे, पानी पियोगे, न्यूट्रिशन अच्छा लोगे, तो आपके डार्क सर्कल्स अपने आप फेड अवे हो जाएंगे. ओके, लेट्स अप्लाई द लिपस्टिक फर्स्ट, रिमूविंग द एक्सेस लिप लैकर. ओके, आई एम गोइंग टू आउटलाइन माई लिप्स विद द हेल्प ऑफ दिस लिप लाइनर बाय वेट एंड वेल, दिस इन द शेड चेस्टनट. और आप लोग एक चीज देखो कि मुझे यहाँ पे भी पिंपल निकल रहा है. एक्चुअली 2 हफ्ते से उससे भी स्ट्रगल कर रही हूँ मैं. And I'm just gonna fill the outer perimeter of my lips with this. Then I'm gonna use this Rimmel London Liquid Matte Lipstick in the shade Troublemaker on the center like that. I'm gonna spread it. I'm just gonna cut my contour line
लास्टली आई एम गोना सेट माय एंटायर फेस यूजिंग अ सेटिंग स्प्रे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. दिस गोना मेक श्योर कि जो भी पाउडर प्रोडक्ट यूज किया मैंने दैट इज गोना ब्लेंड इन विद ईच अदर, अच्छे से सेटल हो जाएगा मेरे स्किन पे वो, एंड मेकअप इज गोना लास्ट लॉन्गर एज वेल. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द फिनिश्ड लुक. मैंने हाइलाइटर इसलिए अप्लाई नहीं किया बिकॉज जैसी मेरी स्किन की कंडीशन है अभी, अगर मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी ना तो दैट इज गोना एनहांस द टेक्सचर ऑन माई स्किन मोर, स्पेशली दिस एरिया एंड यहाँ पे. सो अभी मैं आपको क्लोजअप शॉट देने वाली हूँ अपने मेकअप का, एंड दिस इज वॉट मेकअप लुक्स लाइक इन रियल लाइफ. सो आप लोग देख सकते हो मेकअप लुक्स लाइक मेकअप ऑन माई स्किन. टेक्सचर ऑन द लेफ्ट साइड इज स्टिल विजिबल, कॉन्टोर ब्लश सब कुछ अच्छे से दिख रहा है. ऑन द राइट साइड यू कैन सी दैट एक्ने मार्क्स कवर हुए हैं, बट जो बम्पी एक्ने हैं वो अभी भी विजिबल है, दे आर पीकिंग थ्रू. लिप्स के आसपास आप लोग देख सकते हो कि कवरेज काफी अच्छा है आज, तो मेरे हाइपर पिगमेंटेशन काफी हद तक विजिबल नहीं है. पास से मेकअप का पूरा रियलिटी समझ में आता है और डिस्टेंस से हल्का हल्का रियलिटी थोड़ा थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो जाता है. सो डिस्टेंस से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है. ऑलराइट, सो विद दैट आई कंप्लीटेड अनदर वन ऑफ माय ट्रू ब्राउन स्किन मेकअप एंड स्किन केयर थेरेपी. आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि मैंने अपनी स्किन की रियलिटी और मेकअप की रियलिटी और स्किन के स्ट्रगल के साथ साथ आप लोगों की स्किन के स्ट्रगल को भी शेयर किया, बात किया. सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू. ऑलराइट, ऑन दैट नोट मैं आपसे बातें मिलती हूँ विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.